बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा संजय लीला भंसाली की फिल्म गुस्ताखियां को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में देसी गर्ल की इस फिल्म को लेकर काफी खबरें आ रही हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले कहा गया था कि प्रियंका के पास इस फिल्म के लिए फिलहाल टाइम नहीं है क्योंकि वो अभी अपनी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग में बिजी है। तो वहीं ये भी सुनने में आया था कि इस फिल्म के लिए इरफान खान को भी प्रियंका के ऑपोजिट अप्रोच किया गया था, लेकिन डेट्स के चलते इरफान ने भी इस फिल्म से कन्नी काट ली है। लेकिन अब हाल ही में इरफान ने एक बातचीत में कुछ ऐसा कहा है जिससे इन सारी अफवाहों पर विराम लग जाएगा। इरफान ने कहा, मुझे नहीं पता कि ये सारी खबरें कहां से आ रही हैं। मुझे इस फिल्म के लिए 2 साल पहले अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय फिल्म की तारीखों को लेकर किसी प्रकार का डिस्कशन नहीं किया गया। तो ये बात कहां से आ गई कि मेरे पास समय नहीं है, या समय की कमी के चलते मैंने इस फिल्म से किनारा कर लिया है। मुझे लगता है कि ये गुत्थी मुझे सबसे पहले सुलझानी पड़ेगी। आखिर मेरे ये शुभचिंतक कौन है जो मेरी जगह ध्यान देते हैं और मुझे बताते ही नहीं है। वेल, इरफान की बातों से तो यही लग रहा है कि वो अब इस फिल्म में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। खैर, इस फिल्म को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होगी ये तो संजय लीला भंसाली ही जाने। फिलहाल तो वो पद्मावती की शूटिंग में बिजी है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।